अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, हम लोग यूनिट नंबर 9 कर रहे थे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 9.1 कर रहे थे, ठीक है। यूनिट नंबर 9, इसमें हमारे पास टॉपिक था एवरेज। ठीक है, हमारे पास अगर कुछ नंबर्स या क्वांटिटीज़ दी जाती हैं, ठीक है, तो हम उनकी एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था एवरेज का, ठीक है। उसको मैं दोबारा रिवाइज करा रही हूँ। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला था एवरेज का जो हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन है और हमने उनकी एवरेज फाइंड करनी है, तो हम उन नंबर्स का या क्वांटिटीज का सम करते हैं और उनके सम को हमारे पास टोटल जितनी क्वांटिटीज़ या जितने नंबर्स गिवन होते हैं उसके साथ डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास एवरेज आ जाती है, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 हम कर रहे थे। एक्सरसाइज नंबर 9.1, इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कर लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने करवाए थे और बाकी मैंने नेक्स्ट 5 to 10 आप लोगों को करने के लिए कहे थे, ठीक है। बिल्कुल जो हमारे पास वो सारे एक जैसे थे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर टेन मैं कराने लगी हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों का पिछला एक बार दोबारा रिवाइज हो जाए, फिर हम क्वेश्चन 11 और 12 की तरफ आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट हमारे पास इस तरह से है। प्राइसेस ऑफ द बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर गिवन ठीक है। वैल्यूज हमारे पास टेबल की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो है वो बुक्स की जो है वो प्राइसेस हमारे पास गिवन है इसमें। सब्जेक्ट्स और प्राइस इंग्लिश की बुक है 95 रुपीज़ की, उर्दू की है 92 रुपीज़, साइंस की है 76 रुपीज़, मैथ्स की 89 रुपीज़, और SST हमारे पास है 68 रुपीज़, ठीक है। हमने फाइंड करना क्या है, एवरेज
प्राइस ऑफ ईच बुक ठीक है जी। ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है जी। इसमें हमारे पास देखिए स्टेटमेंट है प्राइस ऑफ द बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्राइसेस हमारे पास बताई हुई है, उनकी बुक्स की हमने एवरेज फाइंड करनी है। सब्जेक्ट्स हमारे पास है इंग्लिश की बुक 95 रुपीज़ है, उर्दू की 92 रुपीज़, साइंस 76 रुपीज़, मैथ्स 89 और SST 68। अब इसका सोल्यूशन हम देखते हैं, एवरेज फाइंड करना है, एवरेज का फार्मूला लिखेंगे हम, एवरेज इज इक्वल सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज ठीक है। अब इनमें वैल्यूज पुट करेंगे, सम ऑफ क्वांटिटीज़ की जगह ये जो सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास गिवन है इनको लिखेंगे हम 95 + 92 + 76 + 89 + 68। ये हमारे पास सम होगा और नीचे नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ हमारे पास कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाय 5। इन सब का हम सम करेंगे, 95 + 92 + 76 + 89 and 68, इनका सम करेंगे हमारे पास आएगा 420 ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। अब इनको हम डिवाइड करेंगे, आफ्टर डिवीजन वी गेट 84 ठीक है। तो एवरेज हमारे पास क्या आ गया है, 84 रुपीज़ हर बुक का एवरेज हमारे पास क्या है, 84 ठीक है। इसी तरह पिछले क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कहा था आप लोगों ने खुद करने थे, वो आप लोगों ने किए होंगे ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, वो हमारे पास स्टेटमेंट के फॉर्म में गिवन है, वो थोड़े से चेंज है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के स्टेटमेंट पहले राइट करते हैं हम। स्टेटमेंट हमारे पास है अ प्लेयर स्कोर्ड रन्स ऑन एवरेज ऑफ 62 रन्स पर मैच ही प्लेड सिक्स मैचेस फाइंड टोटल रन्स He scored in these matches. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट हमारे पास है, अ प्लेयर
स्कोर्ड रन्स ऑन एवरेज ऑफ 62 रन्स पर मैच, ठीक है, यानी कि एक प्लेयर है, ठीक है, उसने जो रन स्कोर किए हैं उसकी एवरेज जो है वो 62 है पर मैच की, हर मैच की एवरेज क्या है 62, यानी हमारे पास गिवन क्या है इसमें एवरेज 62। ही प्लेड सिक्स मैचेस, यानी सिक्स मैचेस हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मैचेस या नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है। फाइंड क्या करना है, टोटल रन्स, टोटल कहते हैं सम को, ठीक है, यानी कि वो हमारे पास क्या हो गया। तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे एवरेज का। एज वी नो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है। तब हमारे पास देखें एवरेज इसमें क्या है 62, नंबर ऑफ मैचेस या हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या हैं 6, तो बाकी हमने टोटल रन जो फाइंड करने हैं वो हमारे पास क्या होगा सम, सम ऑफ रन या सम ऑफ क्वांटिटीज की जगह आएगा। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, एवरेज क्या है 62, सम या टोटल रन जो हैं हमने फाइंड करने हैं। मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमारे पास जो था सम ऑफ क्वांटिटीज की जगह क्या लिख लेंगे टोटल रन्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज या नंबर ऑफ मैचेस हमारे पास क्या हैं 6, ठीक है, हमने फाइंड करना है टोटल रन्स। इसको जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको अलग करेंगे, तो 6 हमारे साथ टोटल रन्स के साथ क्या हो रहा है डिवाइड, फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है वो क्या हो रही होती है डिवाइड। तो इक्वल के एक तरफ जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 62 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हमारे पास है टोटल रन्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 2s are 12, 6 6s are 36 प्लस 1 37, तो हमारे पास टोटल रन्स कितने हैं 72, ये हमारे पास है आंसर। इसको मैं रिवाइज करा रही हूँ। स्टेटमेंट है प्लेयर स्कोर्ड रन्स ऑन एवरेज ऑफ 62 रन्स पर मैच, पर मैच की एवरेज हमारे पास क्या है 62, और ही प्लेयर सिक्स मैचेस, अब नंबर ऑफ मैचेस या नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या है 6, फाइंड क्या करना है टोटल रन्स ही स्कोर्ड इन दिस मैचेस, ठीक है, कि उन सब मैचेस का जो टोटल यानी सम जो है वो क्या होगा। फार्मूला हमारे पास क्या था, एवरेज इज इक्वल सम ऑफ क्वांटिटीज ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज, वैल्यूज पुट करेंगे एवरेज की जगह 62, सम ऑफ क्वांटिटीज की जगह टोटल रन्स जो हमने फाइंड करना है, और नंबर ऑफ क्वांटिटीज की जगह नंबर ऑफ मैचेस यानी हमारे पास हैं 6। टोटल रन्स फाइंड करने हैं तो इसको सेपरेट करेंगे, 6 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो जो चीज़ इक्वल के एक तरफ डिवाइड हो रही होती है दूसरी तरफ जाके आती है मल्टीप्लाई, तो 6 हमारे पास इक्वल के इस तरफ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, 62 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टोटल रन्स, ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 372, ठीक है, ये हमारे पास आ गया टोटल रन्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 5 क्लास, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन है। स्टेटमेंट हमारे पास कुछ यूँ है, आमिनास टोटल मंथली सेविंग्स, आमिनास टोटल मंथली सेविंग Thank you.
ऑफ फ्यू मंथ्स इज रुपीज 12,600 हर मंथली एवरेज सेविंग इज रुपीज 1,800 फाइंड द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ हर सेविंग्स। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है। आमना'स टोटल मंथली सेविंग ऑफ फ्यू मंथ्स इज 12,600, मतलब टोटल मंथली सेविंग है फ्यू मंथ्स की, तो हम ये हमारे पास यानी कि क्या होगा, सम होगा, क्योंकि फ्यू मंथ्स हैं उनकी टोटल सेविंग है, यानी फ्यू मंथ्स की सेविंग को सम किया हुआ है, तो ये हमारे पास सम ऑफ क्वांटिटीज है एक किस्म की। ठीक है, हर मंथली एवरेज सेविंग इज, और एवरेज सेविंग हमारे पास क्या है, दिस। ठीक है, फाइंड क्या करना है कि नंबर ऑफ मंथ्स, कि हमारे पास नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ क्वांटिटीज क्या हैं। ठीक है, तो इसका मैं डाटा लिखती हूँ, टोटल सेविंग्स इज इक्वल रुपीज 12,600 एवरेज एवरेज सेविंग्स हैं 1,800। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे एवरेज का। एज वी नो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है जी, अब हम इनमें वैल्यूज पुट करेंगे। टोटल मंथली सेविंग यानी टोटल इनका सम जो है वो हमारे पास क्या है, 12,600। एवरेज क्या है, एवरेज की जगह एवरेज की वैल्यू आ जाएगी 1,800। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ क्वांटिटीज। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ मंथ्स हमने फाइंड करना है, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमिरेटर में लाने के लिए मैं इसको क्या करूँगी, इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाऊँगी, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब नंबर ऑफ मंथ्स को अलग करेंगे, तो ये जो नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इनको डिवाइड करेंगे,
डिवाइड में इनके जो एंड पे ज़ीरो हैं वो आपस में ये टू ज़ीरोज़ टू से कट हो जाएंगे, ठीक है, टू ज़ीरोज़ टू से कट होंगे, वन ज़ीरो वन से कट होगा, थ्री ज़ीरोज़ थ्री से कट होंगे, ठीक है। तो ये टू टू थे दोनों के आपस में कट गए, हमारे पास क्या बचा, 126/18, ठीक है। इनको अब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, वन ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाई एटीन, एटीन का टेबल पढ़ेंगे सेवन पे आ जाएगा 126, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ मंथ्स क्या आएंगे, सेवन, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ्स इज इक्वल टू सेवन, ठीक है। मतलब हमने एवरेज का फार्मूला यूज़ करते हुए इसमें से हमने नंबर ऑफ मंथ्स की वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। देखें, हमने वैल्यूज पुट की, हमारे पास क्वेश्चन में ये डेटा था, एवरेज हमारे पास क्या थी, एवरेज की जगह एवरेज की वैल्यू पुट की, सम ऑफ क्वांटिटीज़ की जगह हमने टोटल मंथली सेविंग्स जो थी वो पुट की, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ की जगह हमने क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ्स को सेपरेट करना था, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में था, इसको न्यूमिनेटर में लाने के लिए हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमारे पास न्यूमिनेटर में होनी चाहिए। ये डिवाइड हो रही थी इक्वल के एक तरफ, दूसरी तरफ जाके क्या हो गई, मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 12,600 रह गया, इसको सेपरेट करने के लिए ये इधर इक्वल के इस तरफ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया, इनके जीरोज आपस में कैंसिल किए, ये वैल्यू बच गई, इनको डिवाइड किया हमने तो हमारे पास नंबर ऑफ मंथ्स आ गए सेवन। अब आप लोगों की जो डायरी है, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन 11, 12 की प्रैक्टिस, ठीक है, ये आप लोगों ने रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी। ओके, अल्लाह हाफिज़।